नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2016 से 18 का क्वेश्चन पेपर। ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का है जिनका सेशन 2016-18 है। ये हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में चार पेपर होते हैं, तो और इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर का ये पहला पेपर है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है हिस्टोग्राफी। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्टोग्राफी पढ़ना है। ओके, तो आप जैसे देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन जैसे दिखाया जा रहा है, इस ये क्वेश्चन पेपर जो है टोटल 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है। क्योंकि ये तो होते हैं पेपर 100 मार्क्स का, लेकिन 70 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो आपके कॉलेज में वो मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। और इसमें बता दूं, इसको तीन ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में आपको 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ये ऑप्शन जो है सी और डी इधर दिया हुआ है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को, बिल्कुल राइट, जिसने भी विद्यार्थी ने ये लगाया है, लेकिन सही लगाया। स्टडी ऑफ हिस्ट्री की रचना किसने की, आप आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, राज तरंगिणी की रचना किसने की, इसका आंसर हो जाएगा कल्हण, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, मिनहाजुल सिराज तबकाते नासरी द्वारा लिखी गई, इसका भी आंसर सी होगा, 7 नंबर का। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल, वह क्वेश्चन नंबर सी होगा, इस ये 8 क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ये हो जाएगा इसका आंसर, हेरोडोटस किस देश का निवासी था, ग्रीस का निवासी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई है, मेगास्थनीज की शायद रचना इंडिका है। चलिए अब मैं पलटती हूँ, आप देख लीजिएगा। ओके, आप लोग देखें, इंडिका लिखा हुआ है, आंसर सी है, बिल्कुल राइट। अपने 10 क्वेश्चन देखा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम चलते हैं ग्रुप बी की तरफ। ग्रुप बी में आपको 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, और पर क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो आप जल्द से जल्द देख लीजिए, इतिहास का मानव शास्त्र के साथ संबंधों की विवेचना करें, इतिहास की उपयोगिता और दुरुपयोग, इतिहास में व्याख्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, इधर भी कुछ क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में स्रोतों के स्वरूप एवं महत्व का वर्णन करें, ऐतिहासिक इतिहासकारों की उपलब्धियों की विवेचना करें। 7 में इतिहास लेखन में ऐतिहासिक तथ्य किस प्रकार सहायक है, क्या इतिहास में वस्तु निष्ठता संभव है, कारण बताएं। प्राच्यवादी इतिहास लेखन की मुख्य अवधारणाओं पर प्रकाश डालिए। ये सब रहा, यानी कि इसमें से एक क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन है जिनमें से आपको 4 का आंसर करना है। ओके, अब मैं चलती हूँ ग्रुप सी की तरफ। ग्रुप सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर करना है, 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कैरी करता है 3, ये 10 मार्क्स, और टोटल ये 30 मार्क्स का है। आप फटाफट देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 13, इतिहास में व्याख्याओं की महत्ता क्या है? इतिहास में वैचारिकताओं पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। क्या आप इस बात से सहमत है कि इतिहास अतीत और वर्तमान में एक अंतहीन संवाद है? यानी कि ये किसने कहा है? E.H. कार ने कहा है। E.H. कार इतिहासकार E.H. कार ने ये डायलॉग कहा है। ओके, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो की क्वालिटी कैसी है। मैं क्वालिटी सुधारने की भरसक कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो लगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें ताकि उन्हें भी क्वेश्चन ये मिल सके और वो लोग एग्ज़ाम देने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को वो लोग फॉलो कर सकें। ओके, थैंक यू।